मित्रों नमस्ते, आइए हम बलिराम चौरसिया और लॉजी बीएल नॉलेज पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग सफल होइए, यही हमारी कामना और कार्य करने का उद्देश्य है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आने वाले सभी परीक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, इसलिए इसको याद करिए, ध्यान से पढ़िए, याद करके जाइए, बेस्ट ऑफ लक, आपका सर्विस जरूर होगा। आइए शुरू करते हैं। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पुनः दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं माइकल डी हिगिंस। 7 वर्षीय कार्यकाल होता है वहाँ, 7 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो आयरलैंड के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं माइकल डी हिगिंस। तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यहाँ का प्रधानमंत्री है लियो वराडकर। मुद्रा यहाँ यूरो चलता है। लियो वराडकर यहाँ के पीएम प्राइम मिनिस्टर हैं। डबलिन यहाँ की कैपिटल राजधानी है। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी है ढाका और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। और मुद्रा यहाँ टाका चलता है, बांग्लादेश में टाका चलता है और 1 भारतीय रुपीज 1.2 बांग्लादेशी टाका के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्रिस एवर महिला ओमैन टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी कि पहली विजेता कौन बन गई है? सिमोना हेलेप। सिमोना हेलेप क्रिस एवर महिला WTA वुमेन टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी के पहली विजेता सिमोना हेलेप, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। बारिश के कारण एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी नहीं हुआ, उसमें 2 टीमें भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में पहुंची और बारिश के कारण फाइनल मैच नहीं हुआ, तो दोनों को जो है विजेता घोषित कर दिया गया है। दोनों को विजेता संयुक्त रूप से घोषित कर दिया गया है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में। देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है आज से, और इसका आयोजन मतलब सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, इसका मतलब देश में देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ, यह विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से मनाया जा रहा है पूरे देश में, भारत में। अगला प्रश्न देख लीजिए। 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कल 31/10/2018 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मतलब इसका उद्घाटन होगा। देखिए तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी चेन्नई और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं इदप्पड़ी के पलानी स्वामी। श्री इदप्पड़ी के पलानी स्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं चेन्नई राजधानी। नागालैंड की बात करें, राजधानी कोहिमा और यहाँ के गवर्नर हैं पद्मनाभ आचार्य और नेफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। मेघालय की बात करें, राजधानी शिलोंग और गवर्नर हैं तथागत रॉय और श्री कोनराड संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राहुल जौहरी। राहुल जौहरी भारतीय क्रिकेट BCCI के CEO हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं वीके मित्तल हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देख लीजिए। जापान में भारत जापान का 13वां शिखर सम्मेलन जो है टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ 13वां भारतीय जापान शिखर सम्मेलन। तो जापान की राजधानी टोक्यो और शिंजो आबे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, एन यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। देश का सबसे बड़ा शुष्क गोदी मतलब यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनी जहाज बनाएगी, तो शुष्क गोदी की जो है उद्घाटन आज कोची में, केरल के कोची में किया गया। और नितिन गडकरी केंद्रीय जहाजरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है आज से राष्ट्र को समर्पित किए हैं नितिन गडकरी साहब ने। अगला प्रश्न देख लीजिए। और यह जो है शुष्क गोदी जो है यह सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत शुष्क गोदी मेक इन इंडिया के गति को बढ़ाएगा, मतलब मेक इन इंडिया भारत में ही बनेगा अब जहाज। तो अब देखिए केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है और चीफ मिनिस्टर हैं श्री बिजन पिनरई और गवर्नर है पी सदा शिवम।
गवर्नर है यहाँ के। अगला प्रश्न देख लीजिए, गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई, आज प्रारंभ हुआ इसका, और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने इसका उद्घाटन किया सूरत में, गुजरात के सूरत में गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया। देखिए सूरत जो है, सूरत के मध्य से ताप्ती नदी गुजरती है, तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा है, इस तरह से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर है? भारत गंगा नदी पर, गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, एक बना हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा नदी पर, और कोलकाता से वाराणसी तक के बीच में पहली कंटेनर आवाजाही शुरू की गई है। भारत की पहली कंटेनर आवाजाही जो है गंगा नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर कोलकाता और वाराणसी के बीच में शुरू कर दी गई है। सीरिया, सीरिया की बात करें तो राजधानी दशमिक और सीरियन पाउंड यहाँ का मुद्रा है। राष्ट्रपति बशर अल असद, बशर अल असद यहाँ के राष्ट्रपति हैं सीरिया के। अब देखिए ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में जौहर बोलसोनारो शपथ लेंगे, जौहर बोलसोनारो शपथ लेंगे ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में। तो अभी जो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, और इसके पहले अभी 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 राष्ट्रपति हैं मिचेल तेमेर, अब इनके बाद जो है जौहर बोलसोनारो को यहाँ ब्राजील का राष्ट्रपति बनाया जाएगा, और ब्राजीलियन रियाल यहाँ का मुद्रा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, आप सबों का दिन मंगलमय हो।